पाकिस्तान, जहां की हर एक सुबह का आगाज एक नई उम्मीद के साथ होता है। इस गहमा गहमी में एक तवील मेहनत मुशक्कत की गूंज सुनाई देती है, जहां हजारों लोग अपने भरपूर हौसलों और बुलंद जज्बों के साथ पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखने के ख्वाहिशमंद हैं। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 42 लाख यतीम बच्चे अपनी बुनियादी जरूरियात, रिहाइश, खाने और तालीम से महरूम, सड़कों पर लावारिस और बेघर मौजूद हैं, जिनके पास ना तो आराम की नींद का बंदोबस्त है और ना ही वालदैन की ठंडी छाँव से भरी गोद। क्या ये बच्चे ऐसे ही सड़कों पर जिंदगी गुजारेंगे? पाकिस्तान में कई एनजीओज अवामी फलाव बहबूद के कामों में मसरूफ अमल है। इनमें से एक बड़ा नाम माई होम अल मुस्तफा का है, जहां ऐसे बेसहारा और यतीम बच्चों की एहसन अंदाज से परवरिश की जाती है। मास्टर मोल्टीफोम इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालकर पाकिस्तान की मुश्किलात हल करने में मदद कर रहा है और अपने हम वतन बच्चों के आराम और सुकून के लिए सफे अव्वल पर है। हम इन बच्चों को मास्टर मोल्टीफोम मैट्रेसेस का तोहफा दे रहे हैं, क्योंकि सेहतमंद जिंदगी के लिए पुरसुकून और अच्छी नींद बेहद जरूरी है। मास्टर मोल्टीफोम ऐसे तमाम फलाही कामों को सराहता है जो वतन अजीज और इसमें रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक नई उम्मीद और एक बेहतर कल की जमानत है। लोगों के आराम का ख्याल और सबके लिए रात की पुरसुकून नींद ही हमारा मोटो है। अब तो सोने पे बहुत मजा आता है। शुक्रिया मोल्टीफोम।